हम दरभंगा के बिरौल में हैं और डीपीएस स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के कैंपस में खड़े हैं और इस तरफ बहुत सारे साथी यहां खड़े हैं। इसमें से ज्यादातर साथी कलकत्ता से आए हैं, बंगाल से आए हैं। पीछे एक बैनर है, थोड़ा हट जाइए, ये बैनर को थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए एक बैनर है, आपको दिख रहा होगा, मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी। ये एक संस्था है, एनजीओ है, और इस संस्था के तहत बाढ़ राहत सामग्री जो है वो वितरण करने आए, क्योंकि दरभंगा के किरतपुर, गौराबुरम, सहरसा के सीमावर्ती इलाके में जो बाढ़ की ने तबाही मचाया था पिछले दिनों, उस बाढ़ की तबाही से जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जो जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में सरकार और स्थानीय जो निजी संगठन है, जो एनजीओ है, वो लोगों की मदद करने के लिए लगातार क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे में कलकत्ता के बंगाल से मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी, उनके जितने भी सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो यहाँ आए हैं और बाढ़ क्षेत्र के लगातार जो है उन लोगों के द्वारा मदद की जा रही है। जो बाढ़ पीड़ित है, सभी लोगों के घर घर जाकर उनको राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। क्या क्या सामान पहुंचाया जा रहा है ये भी हम बताएंगे। उनके यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले वो सामान आपको बता दें, क्या क्या सामान दिया जाएगा बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्योंकि उनको बहुत जरूरत है, इस वक्त मदद की जरूरत है। और कौन कौन से सामान लेकर आए हैं, देखिए बंगाल से पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं। कलकत्ता से, बंगाल से आए हैं। खजूर है, खजूर, हाँ, एक केजी खजूर है। अच्छा, महंगा खजूर लग रहा है। जी जी, अच्छा, एक खजूर है, ये एक पैकेट मोमबत्ती है। अच्छा, अंधेरा दूर करने के लिए मोमबत्ती, क्योंकि लाइट वहाँ कई दिन से कटा हुआ, जब से बाढ़ का पानी आया वहाँ पर बिजली काट दी गई है। ठीक है, मोमबत्ती है, बासमती चूड़ा है। अच्छा, चूड़ा भी आया है, देखिए चूड़ा है। ये एक पैकेट चाय पत्ती है। अच्छा, चाय पत्ती है, चलिए ये चाय पत्ती। ये बिस्किट है, चार पैकेट बिस्किट। अच्छा, बिस्किट भी मैरी गोल्ड बिस्किट है। ठीक है, ये आपको टॉर्च है। अच्छा, रात को अंधेरे में अगर जरूरत पड़ता है उसके लिए टॉर्च की आवश्यकता है। टॉर्च है, टॉर्च है। और ये गुड़ है। अच्छा, गुड़ भी दिया गया, यानी चूड़ा के साथ खाने के लिए गुड़ भी है। जी जी, ये चीनी भी है, चीनी भी दी गई चाय बनाने के लिए। जी जी, और ये दूध भी है, दो पैकेट। अच्छा, दूध भी दी गई है। जी, और एक पैकेट सत्तू भी है। अच्छा, सत्तू भी दिया गया है, सत्तू पीने के लिए। चनाचूर का पैकेट है। जी जी, नमकीन, ये नमकीन का पैकेट। और ये लाइटर दिया गया है। अच्छा, लाइटर किस लिए? ये लाइटर जो है कि मोमबत्ती जलाने के लिए, मोमबत्ती, और बारिश के वजह से जो है कि आदमी परेशान है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए जो है कि यानी माचिस जलाना। जी जी, माचिस नहीं है। जी जी जी, इसलिए ये दिया गया है। जी, ये मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी, ये मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी जो है मछुआ बाजार कोलकाता, वहाँ से गाड़ी आई है, उनका पैकेज बना है, पूरा गाड़ी जो है वो भरा हुआ है। ये सभी बाढ़ क्षेत्र में जाएंगे और कह सकते हैं, और जी, एक मच्छरदानी है जो पैकेट के अंदर में है। अच्छा, मच्छरदानी अंदर ही है। जी जी, और जो है कि आपको एक चटाई भी है, यानी एक चटाई भी, मच्छरदानी भी। हाँ, इतने सामान के साथ जो है कि मान लीजिए कि टोटल पैकेट जो है इसमें 12,000 से 15,000 पैकेट है। अच्छा। और बहुत सारे जगह पे, जैसे कह लीजिए कि सिर्फ अपने यहाँ सैलाब आया है, लेकिन बंगाल के कुछ जिला में भी जो है कि 4-5 जिला में जो है कि बहुत सारे सैलाब आए, उधर भी हम लोग जो है कि इसी तरह से जो है कि गाड़ी का जो है कि पैकिंग का काम करके वहाँ भी भेज रहे हैं। और हमारे मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद बरकत अली साहब, BTC, जो वहाँ पर वो सब काम को अंजाम दे रहे हैं, और हमारे बहुत सारे मेंबरान, हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद शमशेर साहब, वो तशरीफ लाए, और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अल्लाम साहब, मोहम्मद फिरदौस, मोहम्मद नफीस साहब, अरशद बाबू, ये सब वहाँ से हम लोग आए हैं। कल शाम में भी आप खजांची हैं? जी जी, मैं खुद खजांची हूँ मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी का। और कल शाम में भी जो है कि एक गाड़ी आकर के बांट के गई है, और इस तरह से हर जिले में जहाँ भी सैलाब आया वहाँ पे हम लोग इसी तरह से गाड़ी बना बना करके भेज रहे हैं। और अलग अलग जिलों में अलग अलग गाड़ी भेज रहे हैं। जी जी, अलग अलग जिलों में अलग अलग कलकत्ते से बना कलकत्ता से, और उसके बाद अलग अलग टीम निकल रही है। अच्छा। अलग अलग टीम, अलग अलग, जैसे यहाँ पर जो है कि DPS स्कूल के जो है कि डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ अली साहब, उनके निगरानी में जो है कि ये मिथिलांचल का जो इस तरफ का जो दरभंगा और जो है कि सहरसा का जो इलाका है, जी जी, कोसी क्षेत्र में, उनके निगरानी में ये सब जो है कि मुकम्मल किया जा रहा है। हमारे सदर सब नहीं आए इसलिए कि वहाँ पर जो काम है वो अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से गाड़ी बना बना के जी हर जगह बंगाल में भी जा रहा, और बिहार में तो पहले भी आया और अभी भी आ रहा, और भी रास्ते से जो है कि बहुत सारा सामान आएगा, और भी इंतजाम किया जा रहा है। इससे भी बेहतर से बेहतर हम लोग करें और उनको राहत दें, जो आदमी परेशान है सैलाब से, यानी हर घर तक पहुंचाने का। जी जी बिल्कुल, हर घर तक। जी जी बिल्कुल, इनका एक लक्ष्य है कि हर घर में जितने बाढ़ पीड़ित है उन तक पहुंचाएंगे। मैंने पहले बताया कि मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी, उनके तमाम जो मेंबर है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कलकत्ता से, बंगाल से चलकर आए हैं, सिक्योरिटी से बंगाल से आए हैं, और सीधे आप लोग कोसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ बाढ़ से हालात बेकाबू हुआ था, लोग बेघर हो गए थे, कई लोग अपने परिवार से भी चल गए, कई लोग का मकान गिर गया, खाने के लोग मोहताज हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके जो वेलफेयर सोसाइटी है मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम सदस्य जो है वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं मदद, अभी आप लोग कोसी की तरफ जा रहे हैं। जी, हमने अभी जो कलकत्ता से टीम बना करके यहाँ आए हैं, जी, खास तौर से जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है, जिससे कोसी और बलान और कमला नदी, जबकि सबसे तेज नदी जो है कोसी, इस नदी के कारण के वजह से जो है किरतपुर प्रखंड, जिस किरतपुर प्रखंड में कई गांव आते हैं, जैसे जमालपुर हो गया, भूगोल हो गया, खैसा हो गया, और झगरुआ हो गया, जक्सो हो गया, उसके बाद फिर किरतपुर के बाद जो है मैसी प्रखंड जो सहरसा जिला में पड़ता है, उसमें भी बहुत सारे गांव आते हैं, जो जलय, पुरनवास, रोटी, चकला, सिद्दीकपुर, मोहम्मदपुर, घोंगेपुर, और बहुत सारे गाँव हैं ऐसे
पिपरपाती हो गए, समानी हो गए, ये सब गांव में हम लोगों की टीम आई है और ये गांव में जो भी राहत का सामान है वो पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद भी जो भी जरूरत का सामान वहां पे दिया जाएगा वो हमारी टीम के तरफ से हर वक्त जब तक इन लोगों को परेशानी बढ़ी रहेगी हर वक्त जो है हम लोग साथ रहेंगे। साना बसाना उन लोगों का घर में समझिए कि अगर चटाई की कमी है चटाई भी देंगे, वहाँ मच्छरदानी भी पानी की वजह से परेशान कर रहे हैं मच्छरदानी भी देंगे और बहुत सारे सामान जो आपने देखे हैं जो सत्तू है, गुड़ है, चना है, चूड़ा है, बिस्किट है, दूध है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, लाइटर है, यानी खजूर है, बहुत सारे सामान है और जो भी सामान की जरूरत होगा हम लोगों की टीम हर एक गाँव में जा करके जायजा लेगी, उसके बाद हर जगह पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सबसे पहले आप किस पद पर हैं? मैं मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और हम लोग मिथिलांचल के तरफ से आए हैं। हमारे इसके प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद बरकत अली साहब है, सेक्रेटरी शमशेर आलम खजानची अली साहब है, जो ये दोनों मौजूद है और हमारे प्रेसिडेंट साहब नहीं आए हैं क्योंकि वहाँ बंगाल में भी उनको देखना है, वहाँ भी हमारे गाड़ी तुरंत चल रहा है हर इलाका में जहाँ जहाँ बाढ़ आया है और हम लोग अपना टीम लेकर के कलकत्ता आए बिहार आए हैं और बिहार के जो भी ज़िले में सहरसा ज़िला दरभंगा ज़िला हम लोग जगह जगह पर जाकर के जायजा लेंगे देखेंगे और हर गांव में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं पूर्वी पुरनबाज जा रहे हैं घोंगेपुर जा रहे हैं समानी जा रहे हैं वहाँ पर जायजा लेंगे जिनको ज़रूरत होगा हम लोग उनको जो है सहायता करेंगे जी। अच्छा खजान जी साहब ये बताइए आज गाड़ी आपकी कौन कौन से गाँव जाएगी? ये जो जा रही है अभी हमको तो उतना नाम नहीं पता है लेकिन कोसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, सिद्दीकपुर है, मोहम्मदपुर है और घोंगेपुर है, बालू टोला है, महेशी प्रखंड में जी महेशी प्रखंड में जो है कि सात आठ गांव जाकर के हम लोग इंशाल्लाह वितरण करेंगे और सबको उनके। अच्छा आपका मिथिलांचल सोसाइटी वेलफेयर कब से काम कर रही है? जी मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी जो है कि इनके सदर शुरू से ही शुरू से ही जनाब हाजी बरकत अली साहब मतलब सदर हैं। अभी हम जो है कि फिलहाल खजांची हुए, इससे पहले भी खजांची थे और हमारे शमशेर साहब वहाँ बजाता है कि इलेक्शन होता है इस तरह का तो जो भी मामला है वो जो है कि सामने आए और जितने मेम्बरान हैं वो इलेक्शन देकर के जो है कि अपने पद को चुनते हैं। ये करीब 2009 से जो है कि संगठन है और वहाँ पर जो है कि हम लोग मिथिलांचल के जितने भी लोग हैं गरीब अमीर अच्छा खराब जो भी जो कारोबार कर रहे हैं या कोई भी मामला से है या कोई भी मुफलिसी कोई भी मामला जैसे कि आप जा रहे हैं और कमजोर आदमी मुफलिस आदमी गरीब आदमी एक्सीडेंट हो गया कह लीजिए उनका और वहाँ पर उनका कोई भी राहत नहीं है वो हम लोग क्या करते हैं कि उनका इलाज के लिए हमारे में वहाँ पर एक हॉस्पिटल है वहाँ पर एक बेड जो है कि साल का 12 महीना फिक्स किया हुआ है। अच्छा, कोई भी कलकत्ता में जी कलकत्ता में कोई भी मामला तो जो भी गरीब के साथ कोई भी मामला होगा हम लोग जो है कि उसके कलकत्ता में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ कोई समस्या होती है उसमें भी ये खड़े होते हैं? बिल्कुल 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 उसी के लिए है ही ये उसी के लिए और ये बाहर से कोई भी चंदा कोई भी पार्टी या कोई भी मामला से कोई फंड से कुछ नहीं इसमें हिंदू मुसलमान सब मिल करके हम लोग जो भी मेम्बरान है उसमें हिंदू मुसलमान सब है और जो मेम्बरान है वही लोग जो है कि उनकी मदद कर रहे हैं और कोई भी मामला जैसे कि अब हम यहाँ पे मिथिलांचल के हैं या कहीं भी बिहार के कोई भी इलाके से हैं और वहाँ पे कारोबार का हमारे साथ कोई ज्यादती हो रहा है फौरन मिथिलांचल की टीम वहाँ पे पहुँच करके जो है कि उसको मामला को जो है कि सही करते हैं। अब आपके साथ हमारे साथ कोई भी घटना कह लिए कि एक बैग हार्ट अटैक आ गया इंतकाल कर गए मर गए वो तो उनका डेड बॉडी उनके घर तक पहुँचाने के लिए मिथिलांचल खुद से एक टीम तैयार करके और एम्बुलेंस करके उनके घर तक पहुँचाती है जो भी मामला जो भी खर्च है वो मिथिलांचल खुद उठाती है। ऐसे बहुत सारे मामला थे जिनको गिनना बहुत मुश्किल है। मतलब आपके एनजीओ और क्या क्या काम करती है और क्या क्या मतलब कलकत्ता में या कलकत्ता से बाहर भी दूसरे? नहीं नहीं कलकत्ता में तो कर ही रही है कलकत्ता से बाहर भी इसलिए कि ये तो आपके सामने सबूत है कि कलकत्ता से हम लोग जो है कि मिथिलांचल आए हैं आप कलकत्ता से यहाँ आए तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के हर कोने में काम हो रही है और जहाँ भी सैलाब आ रहा या कोई भी मामला तो आग लग गया कोई ऐसा हादसा हो गया बिल्कुल आपदा में जी जी कोई भी मामला में वहाँ पर जो है कि मिथिलांचल की टीम पहुँचती है और इंशाल्लाह जो भी मामला होता है उसको जो है कि सही तरीके से अंजाम देती है। चलिए मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था कि इनके जो सदर है वो हाजी मोहम्मद बरकत अली साहब हैं, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहते हैं और कलकत्ता में इसका जो है 2009 में इस एनजीओ का स्थापना हुआ था इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसके बाद से 2009 से लगातार जो है मिथिलांचल सहित पूरे कह सकते हैं कि पूरे मिथिला के सहित कलकत्ता में बंगाल में और भी जगह जहां से बाढ़ आपदा हो या फिर प्राकृतिक कोई भी आपदा हो किसी भी तरह की परिस्थिति हो वहां पर ये खड़े रहते हैं और लोगों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। मैंने अभी खजांची साहब बता रहे थे कि विगत कई दिनों से बाढ़ क्षेत्र यानी कोसी का जो इलाका है जहां बाढ़ ने तबाही मचाया है वैसे इलाके में हमारी टीम विगत कई दिनों से काम कर रही है और लोगों की मदद भी कर रही है। आज ये टीम यहां से महेशी प्रखंड के लिए रवाना होने वाला है, कुछ ही देर के बाद ये गाड़ी महेशी प्रखंड जाएंगे। इसमें कितने सामान है, कितना पैकेज है, कितना चटाई है, कितना मच्छरदानी? थोड़ी बता। इसमें जो है कि 1000 पैकेट है
और 500 मच्छरदानी और 500 जो है कि चटाई है। फिलहाल वो पैकेज में जो है कि एक पैकेज में 16 पैकेट है, एक बोरा बनाया गया है उसके अंदर 16 पैकेट है। मोटा मोटी कह लिए कि 10,000 से 12,000 पैकेट इसके अंदर मौजूद है टोटल, अगर जोड़ा जाए टोटल। यानी जो परिवार छूट जाएगा फिर उनका लिस्ट बनेगा, फिर आगे पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये काम चालू रहेगा जब तक बाढ़ है वहाँ पर, लोग परेशान है, ये काम चालू रहेगा। और काम हो भी रहा है वहाँ बाजाबता के बंगाल में भी, 4-5 जिला में जो आया वहाँ से भी हम लोग जो है बंगाल भी भेज रहे हैं, इससे पहले भी आया है और भी जो है रास्ते पे आ रहा है, और वहाँ पर काम ये चालू है और भी अंजाम देंगे हम लोग इंशाल्लाह। जो भी जब तक स्थिति सामान्य नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जो है कि स्थिति बिल्कुल सही नहीं हो जाए, सामान्य हो जाए, जब तक ये काम चालू रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, जब तक हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में जाएंगे, लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। अच्छा, बाढ़ के जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ जब चली जाएगी या आप स्थिति थोड़ा थोड़ा समान होने लगा, जब बाढ़ खत्म हो जाएगा उसके बाद एक और आपदा आने वाला है, बीमारी, क्या ऐसे में आपकी मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी जो है मेडिकल टीम की व्यवस्था करेगी? जी, हमने यहाँ पे मेडिकल टीम की भी व्यवस्था किए हैं और डॉक्टर से भी बात चालू है। इंशाल्लाह हफ्ता या 10 दिन के अंदर जो है डॉक्टर की टीम यहाँ पूरे दवा वगैरह के साथ तैयार हो जाएगी, और जिस गाँव में डॉक्टर की टीम नहीं पहुँच रही वहाँ हमारी टीम जाएगी, क्योंकि इनके बाद एक और आपदा है, बीमारी होगा, तरह तरह की बीमारी होंगे। हाँ, उसमें मेडिकल टीम की जरूरत पड़ेगी। जी जी, तो उसमें मेडिकल टीम जो भी है हमारे वो हर जगह पे पहुंचेगी, हर एक गांव में पहुंच करके अपना एक कैंप लगाएगी, और कैंप लगाने के बाद हर मुसीबत ज्यादा लोगों के जो है इलाज का मुतय्यन व्यवस्था जो भी होगा सही व्यवस्था वो किया जाएगा। बिल्कुल, और मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी जो है उनका उद्देश्य यही है, लोगों की मदद करना, बहुत मदद करना। अच्छा, थोड़ा सा बोलने दीजिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बंगाल से चल के आए? जी जी जी। कहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं मैसी विधानसभा में वितरण करने के लिए, और ये मिथिलांचल जो है सबसे पहले जो है हाजी बरकत साहब जो है सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब और तमाम मेम्बरान का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो ऐसा व्यवस्था हम लोग को दिया, और हम लोग अभी मैसी विधानसभा में वितरण करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और